बत्तीस कुंडा में एक अपे एक थोड़ा धर्म करा तो 32 गुना फल मिले। अच्छा 32 गुना फल मिले जना आज आप धर्म पूर्ण करने आया हूँ। साथ ही गोटा गुड़ा नहीं चाहिए मंदिर में ठाकुर जी मंदिर गोटा गुड़ा। अच्छा गोटा गुड़ा दे हम भी मतलब कहीं वे मतलब लुगे नहीं आप गोटा गुड़ाया करे। अच्छा इस्त्री जात तक आप बेटा भी जो सही मिलिया करे। अच्छा बाप मन्नत मांगने वास्ते। एक बार आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए राजस्थान के गांवों में असली कितना आनंद है। आज मैं आपको भ्रमण करवा रहा हूं खिचन गांव, जो विश्व भर में ये खिचन गांव प्रसिद्ध है। जहां पे वो भाग दौड़ भरी जिंदगी से अच्छा है जहां पर आना और सुकून के वो पल दोस्तों के साथ बिताना ये अच्छा लगा हमें। अच्छा आप तो स्पेशली राजस्थान घूमने के लिए आए। हाँ जी घूमने के लिए आए हैं। फलोदी जिले में खिचन गांव विश्व प्रसिद्ध है और सर्दियों के अंदर यहां पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। तो आइए आज इस गांव का आपको विजिट कराते हैं और इस गांव के अंदर कुर्जें कितने समय से आती है और क्यों प्रसिद्ध है ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब प्रसिद्धियों कुर्जा है पर्यटक है सब प्रसिद्ध है। खिचन गांव में 6 महीना पड़ाव दिया करे। कई कई लोग कहे की कुर्जा पी रहे खिचन आ सही बात। हाँ बात बिल्कुल सही है। अटे जिते ये बीचे अटे हुए मोटा हुए और पचे हाथ है लीन भाई रोज आवे और पर्यटक हिसाब अटे हवेलियां बहुत पुरानी है। बहुत 200 साल पुरानी हवेलियां भी है। अटे जो इतनी कुर्जा चुगो कौन व्यवस्था करिया करे। चुगो आये करे जिको बाने रही है संस्था। कटु आवे कटु नहीं कोई पतो नहीं है और गोदाम रहे भरिया। अच्छा और गवर्नमेंट ही हेला कहीं सहायता हुआ मने ध्यान नहीं जिकी अटे भौणिया है वो आप ऑटोमेटिक ट्रबा फंड भेज दे। सही है। महाजन परिवार है जका अटे महाजन है जिका परिवार है इरे कारण कटु पैसो आवे कटु जमा आवे कोई पतो नहीं। चलो सर आपरो नाम कहीं है। मारो नाम है पूनम चंद संगाणी गाँव है खिचन रहे हमारे। अच्छा ईर कारण तो गाँव तो मारा हमें जोधपुर है। अच्छा बहुत बढ़िया सर धन्यवाद। आप किसो गाँव। मारो गाँव है सिल्ली। सिल्ली ओकटी नायडू साहब। सिल्ली केंद्रीय तुंडी कुर्ची धनारी। ठीक है। अच्छा उड़ आगे जोधपुर पट्टी आगे जो जन आटू अब सीधा आगे फंडता है आज ही चोरे। हाँ आटू आज कह दीजिए विजय सागर जानो कुर्जर। ठीक है विजय सागर बड़ो तलाव है। हाँ उठे हमारे आपने कुर्जर मिल जाए। ठीक सर धन्यवाद। आप कभी कभी खिचन गांव में आने का काम पड़ेगा तो आप यहां पर जरूर दर्शन करने के लिए इन कुर्जों को देखने के लिए जरूर आए। ये देखिए खिचन में बहुत पुरानी जो हवेलियां हैं और पुराने जो मकान बने हुए हैं वो आज भी खिचन में देखने को मिलते हैं। और जब आप गांव पार करेंगे तो ये इसी तरह पूरा गाँव आपको दिखेगा खिचन का। और अब हम खिचन के गाँव में जो तालाब बना हुआ है इसके ऊपर पहुँचे हैं और ये देखिए तालाब के किनारे कुर्जा बैठी है और कुर्जा को देखने के लिए राजस्थान ही नहीं राजस्थान के बाहर विदेशी यहाँ पर मेहमान आते हैं वो भी खिचन इन कुर्जों को देखने के लिए आते हैं। अभी दोपहर का टाइम है तो अभी ये कुर्जे देखिए तालाब के पास में आना शुरू हुई है। बहुत ज़बरदस्त सीन है और ये आप देख रहे हैं देखिए कुर्जे नज़र आ रही है। खिचन का ये है तालाब और तालाब के किनारे कुर्जा हैं और यहाँ देखिए खूब पर्यटक भी आते हैं देखने के लिए। यहाँ क्या आकर्षित करती है विशेष आपको इतने सू पता लग गया सी आगे पूछे इन्होंने भी इतने घूमने लिए कोई नेड़े जगह फलौदी तो पूछा सी वो कहते भी खिचन जाओ उ एक लेक है उत्थे विदेशी पंछी आते हैं उन्होंने आके देखा तो काफ़ी बैठे है। मन को शांति मिलती है सुकून है जहाँ पे वो भाग दौड़ भरी जिंदगी से अच्छा है जहाँ पर आना और सुकून के वो पल दोस्तों के साथ बिताना ये अच्छा लगा हमें। अच्छा आप तो स्पेशली राजस्थान घूमने के लिए आए। हाँ जी घूमने के लिए आए हैं और इधर आके लोग सारे हाईवे के उधर ही चल जाते हैं लेकिन मुझे लगता है राजस्थान देखना है तो गाँव में जाकर विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या क्या कुछ है गाँव। बिल्कुल सही। अभी तक आप कहाँ कहाँ घूमे हुए हो उधर। हम पहले बीकानेर घूमे उसके बाद जैसलमेर घूमे अब वापसी में ये आपका गांव घूम रहे हैं। ये कुर्जा की आवाज को सुन के आप क्या महसूस कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है ये पक्षियों की आवाज जो कि शहरों में देखने को मिलती नहीं है। बिल्कुल
और ये यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं तो पक्षियों की तरफ आकर्षित भी होते हैं, जीवों को बचाने का भी उनका मन करता है। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसप्रीत है। अच्छा, कहाँ से पधारे हैं? हम पंजाब से। अच्छा, पंजाब से आए। पंजाब से, पंजाब से आए पर्यटक मिल गए, उनके साथ में बातचीत की और उनको बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में राजस्थान का गजब का शानदार यहाँ का गाँव का जीवन, और साथ में मेरे भी पूरे परिवार के लोग और सब हम गए तो वहाँ रील भी बनाई और आपस में बातें भी की और खिचन का गांव का भ्रमण किया। और खिचन जब भी आपका आना होगा तो ये तालाब है और इस तालाब के किनारे पे कुर्जे बैठ के यहाँ पर पानी पीती है। गांव का बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और मैं गया उस दिन अमौस थी तो अमौस को देखिए खूब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये देखिए आते हुए माता जी क्या लेकर आ रहे हैं, इनसे बात करके मैं आपके साथ में शेयर करूँ। अच्छा, 32 गुना फल मिले जना आज आप धर्मपूर्ण करने आया हो? अच्छा, गोटा गुड़ा दे भी मतलब कहीं वे? मतलब लुगे नहीं आप गोटा गुड़ाया करे। अच्छा, इस्त्री जात ताकि आप बेटा भी जो सही मिलिया करे। अच्छा, बाप मन्नत मांगने वास्ते? बहुत बढ़िया। आप गाँव? कन्नौटिया गाँव में। खिचन गांव का ये नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा और पक्षियों के प्रति लोगों की भावना भी बढ़ेगी अगर आप कभी इधर घूमना आना हो तो। फलोदी के पास में ये खिचन गांव कुर्जों के कारण आज विश्व प्रसिद्ध है। परिवार के साथ में आज यहां पर आने का मौका मिला और फिर आगे रामदेवरा के लिए रवाना हो रहे हैं तो रामदेव जी के दर्शन भी मैं मेरे पेज के ऊपर यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा। और आप भी चाहते हैं कि वास्तव में राजस्थान के गाँव का भ्रमण किया जाए तो आप मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।